कैसे हो विद्यार्थी मित्रों, मैं किंजल पटेल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 के हिंदी विषय में चैप्टर नंबर 6 डॉक्टर विक्रम साराभाई पाठ का हम अभ्यास करेंगे। यह एक जीवनी जो डॉक्टर विक्रम साराभाई के ऊपर लिखी गई है। डॉक्टर विक्रम साराभाई एक वैज्ञानिक थे। भारत स्वतंत्र होने के बाद विज्ञान के क्षेत्र में कई वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण कार्य किए थे, जिनमें से एक डॉक्टर विक्रम साराभाई भी थे। प्रस्तुत पाठ में डॉक्टर विक्रम साराभाई के जीवन तथा कार्यों का परिचय दिया गया है। यहाँ पर हमें डॉक्टर विक्रम साराभाई के जीवन का परिचय दिया गया है, तो वो हम देखेंगे। हमारे जीवन को सुविधापूर्ण बनाने में वैज्ञानिकों का प्रमुख योगदान रहा है। प्रस्तुत इकाई हमें विक्रम साराभाई जैसे अद्भुत व्यक्तित्व से परिचित कराती है, जिन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य, व्यवसाय, प्रबंध आदि अनेक क्षेत्रों में देश की प्रगति के लिए उल्लेखनीय कार्य किया। उनके जीवन की घटनाओं से प्रेरित होकर अवलोकन, परीक्षण व परिश्रम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर हम भी महान वैज्ञानिक बन सकते हैं और मानव जाति की अनुपम सेवा कर सकते हैं। यह पाठ हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और इन महान वैज्ञानिकों के जीवन परिचय से हमें भी वैज्ञानिक बनने की इच्छा हमें वो पैदा करता है। तो वो हम देखेंगे। यहाँ पर विक्रम साराभाई का हमें फोटो दिया गया है। ये विक्रम साराभाई है, एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे। जब वे मात्र 2 वर्ष के थे तब गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा और उस बालक ने उसकी भविष्यवाणी अपने कर्मों से सच साबित कर डाली। यह एक महान वैज्ञानिक थे विक्रम साराभाई। कौन? विक्रम साराभाई। और जब वह 2 वर्ष के थे तब रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत ही यशस्वी बनेगा। यशस्वी यानी कि नामी बनेगा, नाम प्राप्त करेगा। और रविन्द्रनाथ ठाकुर की यह भविष्यवाणी विक्रम साराभाई ने अपने कर्मों से सच साबित करके दिखाई। क्या आप जानते हैं वे कौन थे? वे थे हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। और यह जो बालक की बात की गई है वह कौन थे? वह हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1919 को अहमदाबाद में हुआ था। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था। पिता का नाम अंबालाल तथा माता का नाम सरला देवी था। विक्रम साराभाई 8 भाई बहन थे। यहाँ पर विक्रम साराभाई के जन्म की बात कही गई है कि उनका जन्म 12 अगस्त सन 1919 को अहमदाबाद में हुआ था और उनका जो परिवार था वो प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था। उनके पिता का नाम अंबालाल और माता का नाम सरला देवी था। और विक्रम साराभाई जो थे वो कुल 8 भाई बहन थे। बाल्यकाल से प्रतिभावान विक्रम साराभाई की बचपन का यह प्रसंग उनके सफलता हासिल करने के बुलंद इरादे को दर्शाता है। यहाँ पर हमें विक्रम साराभाई के बचपन का एक किस्सा दिया गया है। यहाँ पर प्रतिभावान यानी कि तेजस्वी, बुद्धि वाला। तो यहाँ पर बाल्यकाल से प्रतिभावान जो यानी कि तेजस्वी बुद्धि वाले विक्रम साराभाई के बचपन का यहाँ पर एक प्रसंग दिया गया है। सफलता हासिल करने के बुलंद यानी कि ऊंचा इरादा, ऊंचे इरादे को दर्शाता
है। जब वह 5-6 साल के थे तो अपने परिवार के साथ शिमला गए। शिमला में उनके पिता श्री अम्बालाल के नामों ढेरों चिट्ठी आती थी। जब वह 5-6 साल के थे तब वह अपने परिवार के साथ शिमला घूमने गए और वहां पर शिमला में उनके पिता अम्बालाल विक्रम साराभाई के पिता श्री अम्बालाल के नाम पर ढेरों चिट्ठियां आती थी और यह देखकर बालक विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि उनके नाम भी खूब सारे पत्र गए और उन्होंने देखा कि पिता के नाम पर बहुत सारी चिट्ठियां आती है तो उन्हें भी इच्छा हुई कि मेरे नाम पर भी ऐसे बहुत सारे पत्र आए। इसीलिए कई लिफाफों पर अपना नाम तथा पता लिखा और डाक घर में डाल दिए। फिर क्या था, उनके नाम पर ढेरों चिट्ठियां आने लगी। पिता ने देखा तो उनके मन में बालक विक्रम के इस काम के पीछे के उद्देश्य को जानने की इच्छा हुई और विक्रम साराभाई ने क्या किया, उनको इच्छा हुई कि मेरे नाम पर भी बहुत सारे पत्र आए और इसके लिए उन्होंने क्या किया तो ढेर सारे लिफाफों पर अपना नाम और पता लिख दिया और फिर उन्हें डाकघर में वो डाल के आ गए और फिर क्या होना था, उनके नाम पर भी ढेरों चिट्ठियां आने लगी। जब पिता ने देखा कि विक्रम के नाम पर बहुत सारी चिट्ठियां आती है तो इसके पीछे का उद्देश्य क्या है वह जानने की उनके मन में इच्छा हुई और उन्होंने अपने बेटे विक्रम से पूछा। असलियत मालूम होने पर उन्हें हंसी आई लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा। जब उनके पिता को असलियत यानी कि सच्चाई वास्तविकता का पता चला तो उन्हें बहुत ही हंसी आई परंतु उन्हें हंसी के साथ साथ अपने बेटे की इच्छा जानकर सफलता पाने की इच्छा जानकर उन्हें अच्छा भी लगा। जब वह 8 साल के थे तो साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियां करती और लोगों को अचंभित कर देती। उन्हें साहसिक कारनामे प्रिय थे। गणित तथा भौतिकी के प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी थी। जब वह 8 साल के थे तो वह साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियां यानी कि करतब वह दिखाते थे और लोगों को अचंभित कर देते थे। अचंभित यानी कि विस्मित आश्चर्य चकित कर देते थे। उन्हें साहसिक कारनामे बहुत ही प्रिय थे। कारनामे यानी कि कार्य, साहसपूर्ण कार्य करना उन्हें बहुत ही प्रिय था और उन्हें गणित और भौतिकी में भौतिकी यानी कि भौतिक शास्त्र में रुचि थी। उन्हें दिलचस्पी थी। उसे गणित और भौतिक शास्त्र उन्हें अच्छा लगता था। आगे है, उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा सन 1934 में पास की। 1934 और 37 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से इंटर की पढ़ाई की। तत्पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होते ही उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा सन 1934 में पास की। सन 1934 से 37 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से इंटर की पढ़ाई की। सन 1937 में इंग्लैंड चले गए। सन 1940 में कैम्ब्रिज से गणित व भौतिकी में बीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। तत्पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होते ही विक्रम साराभाई भारत लौट आए। भारत में उन्हें सर सीवी रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य मिला। वहां राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से बड़े प्रभावित हुए। सन 1942 में वह मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह सूत्र में बंधे।
तो यहां पर सानिध्य, सानिध्य यानी कि निकटता, नंबर है। तो उन्होंने पहले गुजरात में अहमदाबाद में उन्होंने पढ़ाई की और फिर आगे की पढ़ाई करने के लिए वो कहाँ चले जाते हैं, इंग्लैंड चले जाते हैं और वहां पर वो गणित व भौतिकी की परीक्षा पास करके वह द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होते ही वह भारत लौट आते हैं। और भारत लौटने के बाद उन्हें सीवी रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य यानी कि निकटता मिलती है। और फिर वो 1942 में मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ शादी करते। उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाली रहस्यमय कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से 1947 में पीएचडी की उपाधि हासिल की। यहाँ पर अंतरिक्ष, अंतरिक्ष यानी कि आकाश, और कॉस्मिक किरणें, कॉस्मिक यानी कि ब्रह्मांडकीय किरण, ब्रह्मांडकीय किरणें। तो उन्होंने और अनुसंधान, अनुसंधान यानी कि खोज, आविष्कार या संशोधन। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाली रहस्यमय कॉस्मिक किरणों का संशोधन करके, उसका उसकी खोज करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से सन 1947 में पीएचडी की उपाधि, उपाधि यानी कि पदवी प्राप्त की, खिताब प्राप्त किया। ब्रह्मांड तथा सौर मंडल के कई जटिल प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्राप्त। ब्रह्मांड तथा सौर मंडल के कई जटिल, जटिल यानी कि उलझे हुए या मुश्किल प्रश्न का उन्होंने समाधान किया, प्रायोगिक हल निकाला, और प्रायोगिक हल उन्होंने निकाला। आगे है, यह उन्हीं का सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियां सर्वाधिक उपयुक्त व अनुकूल, और उन्होंने क्या सुझाव दिया, तो कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग करने के लिए उन्होंने सुझाव दिया कि कॉस्मिक किरणों का, कॉस्मिक किरणों पर संशोधन करने के लिए हिमालय की जो ऊंची चोटियां है वह सबसे ज्यादा अनुकूल रहेगी। इसीलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लैंस एक प्रयोगशाला स्थापित की। तो उन्हीं के सुझाव के आधार पर भारत सरकार ने क्या किया, गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों यानी कि साधन, लेंस यानी कि युक्त उपकरणों से युक्त, साधनों से युक्त प्रयोगशाला गुलमर्ग में उन्होंने स्थापित की। किसने, भारत सरकार ने। डॉक्टर विक्रम साराभाई के निजी प्रयासों से सन 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित हुई। डॉक्टर विक्रम साराभाई की निजी प्रयासों से अहमदाबाद में भी अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित हुई, जिससे वह आजन्म संबंध रहे। आजन्म यानी कि जब तक वो जीवित रहे तब तक वो उनका, उनके साथ संबंध रहा, अहमदाबाद में जो प्रयोगशाला है उसके साथ। साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं के हल निकालने के उद्देश्य से अहमदाबाद में ही टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। और इनके साथ साथ उन्होंने देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं के हल निकालने के उद्देश्य से ही उन्होंने क्या किया, अहमदाबाद में उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की स्थापना की। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य ग्रह, तारा, प्लाज्मा भौतिकी और खोज पर वह कार्य करते रहे। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य ग्रह, तारा, प्लाज्मा
भौतिकी और खगोल पर उन्होंने कार्य किया। सन 1961 में वे परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बनाए गए। ऊर्जा यानी कि शक्ति। सन 1961 में वे परमाणु शक्ति आयोग के सदस्य बनाए गए। डॉक्टर भाभा की मृत्यु के पश्चात परमाणु ऊर्जा संस्थानों का भार युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर ही आ गया। डॉक्टर भाभा की मृत्यु के पश्चात परमाणु ऊर्जा संसाधनों का जो काम था वो डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर आ गया। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। उन्होंने क्या किया तो भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष बने। भारतीय अनुसंधान केंद्र के सबसे पहले अध्यक्ष कौन बने तो डॉक्टर विक्रम साराभाई। यह इनकी अगुवाई एवं अथक परिश्रम का ही परिणाम है कि भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन व मौसम विभाग के लिए प्रक्षेपित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। और यह इनकी ही अगुवाई यानी कि नेतृत्व का परिणाम है। नेतृत्व और अथक परिश्रम का परिणाम है कि भारत में आज दूरसंचार, दूरदर्शन व मौसम विज्ञान के लिए प्रक्षेपित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। दूरसंचार, दूरदर्शन व मौसम की जानकारी देने वाले जो उपग्रह है वो डॉक्टर विक्रम साराभाई की वजह से ही, उनके ही नेतृत्व की वजह से और उनके ही अथक परिश्रम की वजह से आज अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। आगे है, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया। भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया। भारत के विकास में उनका उत्कृष्ट योगदान रहा है और इसीलिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। सन 1962 में उन्हें डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, सन 1966 में पद्म भूषण तथा सन 1972 में मरणोत्तर पद्म विभूषण जैसे अलंकरणों से नवाजा गया। उन्हें कई सम्मान मिले, कई अवार्ड मिले, जिसमें से डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार, मरणोत्तर यानी कि मरने के बाद उन्हें पद्म विभूषण जैसे अवार्ड दिए गए। आगे है, निशस्त्रीकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी भारत के प्रतिनिधि रहे। उन्होंने निशस्त्रीकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य रहे। सन 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ के, यूनेस्को के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने। उन्हें इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख बनाया गया। उन्होंने सन 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के वो सदस्य रहे और 1968 में वे संयुक्त राष्ट्र संघ के, यूनेस्को के विज्ञान विभाग के भी अध्यक्ष बने। फिर वो इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन के भी प्रमुख बने। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1969
सत्तरवीं वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणु मंच के 14वीं परिषद के प्रमुख बने। सन 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष व बाद में विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बनाए गए। उन्होंने 1970 में वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणु मंच के 14वीं परिषद के प्रमुख बने थे वो, और 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष और वह बाद में विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बनाए गए। वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि व्यस्तताओं के बावजूद कला, शिक्षा व समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे। उनके ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई। यहाँ वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते थे। वो उच्च कोटि के वैज्ञानिक तो थे ही, और वह व्यस्त भी बहुत थे, लेकिन इसके बावजूद भी वह कला, शिक्षा और समाज के लिए भी पर्याप्त समय निकाल देते थे। और उनके ही प्रयासों के कारण अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई, और वहां पर जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने का वह काम करते थे। लोगों के मन में विज्ञान के प्रति जागरूकता आई, इसके लिए उन्होंने लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्था की स्थापना अहमदाबाद में की। इतने बड़े वैज्ञानिक और समय न होने के बावजूद भी उन्होंने इसका संस्था की स्थापना की, और वह कला और शिक्षा और समाज के लिए भी वह समय निकालते थे। वह 21 दिसंबर सन 1971 की काली तारीख वह 21 दिसंबर सन 1971 की काली तारीख थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्रम के लॉन्चिंग स्टेशन पर थुम्बा में कार्य निरीक्षण के लिए भेजा गया था। वहां वह एक होटल में ठहरे हुए थे। यही हृदय की गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। वह काली तारीख थी। कौन सी काली तारीख? 21 दिसंबर सन 1971 की काली तारीख थी, जिस दिन डॉक्टर विक्रम साराभाई की मृत्यु हुई थी। उस दिन वह त्रिवेंद्रम के लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा में कार्य निरीक्षण के लिए गए थे, और वहां पर वह एक होटल में रुके थे, और वहीं पर उनके हृदय की गति जो है वह रुक जाती है और उनकी मृत्यु होती है। उनके निधन से विज्ञान में नित नए आयामों को जोड़ने वाला एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया। उनके निधन के साथ ही विज्ञान में नित नए आयामों को जोड़ने वाला एक जीवन चक्र जो था वो सदा के लिए रुक जाता है। ऐसी महान प्रतिभा को सत सत नमन। ऐसी महान प्रतिभा को हम सत सत नमन करते हैं, जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही बड़े कार्य किए, और विज्ञान के क्षेत्र में ही नहीं परंतु कला, शिक्षा और समाज में भी उन्होंने बहुत बड़े कार्य किए थे। तो यहाँ पर हमें डॉक्टर विक्रम साराभाई की जीवनी का हमने परिचय प्राप्त किया कि किस प्रकार उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में तरक्की की और कौन कौन से उन्होंने किताब पाए। तो यहाँ पर ये जो हमारा पाठ है वह पूर्ण होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का देखेंगे। थैंक यू।